का एक नाम योग माया है। योग माया भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन की बहन है। नाम पड़ा योग माया। और एक बात बोले, जब जब ठाकुर जी को जरूरत पड़ी तब तब योग माया ने ही सहारा दिया। तो भगवती के तो वैसे विभिन्न नाम हैं, विभिन्न रूप हैं, लेकिन योग माया नाम की भगवती की साधना आराधना प्रत्येक व्यक्ति को अति आवश्यक है। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन का आतताई बेटा कंस, बड़ा अत्याचारी बालक, और बेटा हो तो ऐसा बाप को ही जेल में डाल दिया। बताओ, कोई बाप को जेल में डालता है? पर धन्य है कंस महाराज, पिता को ही जेल में डाल दिया। और जब पिता को जेल में डाला, राज करने लगा, अत्याचार करने लगा। चचेरी बहन का नाम देवकी। मन में विचार आया देवकी का विवाह किया जाए। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह किया। साथ में देवकी को लेकर के वसुदेव जी चलने लगे, विदा हो गई। राजा कंस ने मन में विचार किया कि अगर बहन के साथ साथ हम चलेंगे, दूर तक जाएंगे, लोग समझेंगे। राजा भी बड़ा भावनात्मक है, इसके अंदर भी भावनाएं हैं, रिश्तों को निभाने की भावनाएं हैं। तो राजा कंस पीछे पीछे चल पड़ा, कभी बगल में हो जाए, कभी रथ पकड़ ले, कभी रथ चलाने लगे। अच्छा, देवकी को लगने लगा, वाह, हमारा भाई कितना अच्छा है, हमसे कितना प्रेम करता है। एक बात बोले, संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। और एक संत की बात हमें याद आती है, हमारे एक बहुत मित्र संत हैं, वो हमसे अक्सर बोलते हैं, बोले भैया, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहे, समझ जाना वो तुम्हें नहीं चाहता। और मेरे पागलों, बात को गांठ बांध लेना, इस दुनिया में जितने भी तुम्हारे नाते हैं, सब नाते स्वार्थ के हैं। जब तक जेब गर्म रहेगी, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा और चेहरे पर चमक रहेगी, तब तक दुनिया तुम्हारी है। और चेहरे की चमक और पैसा गायब होने के बाद कोई राम राम नहीं करेगा। जिसका नाम बढ़ता, बन जाते लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आहा, क्या कहना माई बाप। एक बात और, जो आदमी गुरूर में इंसान जब बढ़ता है तो उसे इंसान नहीं दिखता। गुरूर में जब इंसान बढ़ता है उसे इंसान नहीं दिखता। जैसे अपने छत पे चढ़ जाने के बाद अपना मकान नहीं दिखता। कोई आदमी अपने छत पे चढ़ जाए, अपना मकान नहीं दिखता, पड़ोसी का दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही गुरूर के इंसान का होता है, जब वो गुरूर में भर जाता है तो उसे पर अपने लोग नहीं दिखते हैं। तो दुनिया दिखाई पड़ती, लंबी लंबी टीवी मीडिया दिखाई पड़ती। मेरे प्रिय पागलों, लाखों लोग तुम्हें मिल जाए पर कभी माँ बाप को मत भूलना, कभी गुरुदेव को मत भूलना। लेकिन दुनिया फिर भी हम कहेंगे स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि सबकी रीति है। स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, और स्वार्थ खत्म तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन देवकी को लगा, वाह, हमारा भाई कितना अच्छा है, हमसे प्रेम करता, देखो हमारी विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आया। आहा, वो मन में विचार करती, बहुत चाहता, बहुत प्रेम करता, लेकिन इसकी चाहत भी 2 मिनट में ही धराशायी हो गई। भगवान ने सोचा पहले माता जी का ही मोह तोड़ दो, आना तो है ही हमें, लेकिन माता जी का ही मोह रहेगा तो कहां से कल्याण होगा। तो तुरंत आकाशवाणी हो गई, हे राजा कंस, बड़े प्रेम पूर्वक जिस बहन की तुम विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। ओहो, जहां राजा कंस ने इतना सुना सोई दिमाग खराब, अभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहा था, तुरंत तलवार निकाली मारने के लिए। ये होते हैं लोग, 2 मिनट तक चाहते हैं, और जहां उनका स्वार्थ पूरा नहीं दिखाई पड़ता तो यही खाने को दौड़ते हैं। राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा देवकी को, पर पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना।
और कितना अस्थिर प्रेम है दुनिया का, दो मिनट में ही प्रेम खत्म हो गया। और इसने सोचा, राजा कंस ने, आठवां लाल हमारा काल होगा, एक काम करते हैं देवकी को ही मार दे, ना लाल होगा ना काल होगा, देवकी का ही वध कर डाले। ऐसा मन में विचार कर राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा, परंतु वसुदेव जी ने बचा लिया। महाराज, स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे जगत हंसी हो जाएगी, नाम बदनाम हो जाएगा, राजा हो बेइज्जती हो जाएगी, फिर क्या करें? एक उपाय हमारा, क्या? हम सत्यवादी हैं, हम आपको वचन देते हैं, जो भी संतति होएगी हम आपको सुकृत कर देंगे, आप चाहो तो रखना, चाहो तो मार डालना। जो राजा कंस कुछ देर पूर्व तक प्रेम दिखा रहा था और जिससे प्रेम करता था, लोग प्रेम में मर मिटने को तैयार होते हैं, पर दुनिया के लोग अपने प्रेम को ही कई बार मारने मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा कंस मारने को आतुर था, जब वसुदेव जी ने समझाया तब माने, वापस आए। कालांतर में एक संतति हुई, पुत्र हुआ। वसुदेव जी नन्हे से बालक को लेकर गए, महाराज से पकड़ो, आपको हमने वचन दिया था। राजा कंस मन में विचार करता, नन्हा सा बालक, इसने क्या बिगाड़ा हमारा, हमारा काल तो आठवां लाल है, वो आएगा तो ठीक है, उसको मार छोड़ दिया। नारद जी आए, अष्टपंखुड़ी वाला कमल लाए, कहा राजा गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, उल्टा गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मध्य से गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। राजा कुछ समझ में आया, कंस बोला महाराज समझ में आ गया, देवताओं की गिनती है, पहला भी आठवां हो सकता है और आठवां भी पहला हो सकता है, मध्य में भी आठवां हो सकता है, तो क्या करना है? हम समझ गए महाराज, आप जाओ। नारद जी चले गए, तो किसी ने कहा महाराज नारद जी ने ऐसा किया क्यों, ये काम नारद जी ने क्यों किया? हमारी दृष्टि में तो नारद जी यहां भी सदगुरु है, डॉक्टर है, अच्छे वाले, और डॉक्टर के पास रहते भी हैं। किसी आदमी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा, दवाई लेने जाए, दवाई दो डॉक्टर साहब, फोड़ा हो गया, डॉक्टर दवाई देता है, फोड़ा ठीक करने की दवा है, इसे खा लो ठीक हो जाएगा, वापस आवे दवाई ना खा ले, भूल जाए, दोबारा फिर जाए, डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, दवाई खाई, नहीं नहीं भूल गए हम, अरे अब तो फिर इस एक काम करो, ये दूसरी वाली दवाई लो, ये कौन सी दवाई? ये पकाने वाली दवाई है, अब ये दबना नहीं है, इसे पहले अब पकाया जाएगा फिर ऑपरेशन होगा। तो कई बार डॉक्टर घाव को पकाने के लिए भी दबा देता है। नारद जी वही पकाने वाली दवाई राजा कंस को देख करके आए हैं कि ये राजा कंस सुधरने वाला तो है नहीं, मतलब इसे दबना है नहीं, ऑपरेशन के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा, पर ऑपरेशन वो तभी करेंगे जब ये ज्यादा पाप करेगा, तो उनने ऐसी दवाई दे दी कि और पाप कर। तो राजा कंस ने बात को माना, आहा, मारना शुरू कर दिया। अब यहां दूसरी बात उठती, भगवान अवतार लेते, भगवान जन्म नहीं देते, भगवान प्रकट होते। रामचरितमानस के छंदों को आप पढ़ेंगे, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार किस लिए लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, एक ये कारण है। ब्राह्मण गौ संतों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जैसे हनुमान जी, साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भगवान अवतार लेते हैं, सीढ़ी होती है, सीढ़ी को कहते हैं नसेनी। कोई आदमी छत पे खड़ा हो, उससे कहा जाए मैया तुमसे कोई बात करनी है, तो क्या कहेगा? सीढ़ियों से आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
लेकिन कोई लंगड़ा हो, लूला हो, बहुत बीमार परेशान, अब उसे ऊपर छत पर खड़े आदमी से बात तो करनी है लेकिन वो चढ़ नहीं सकता, तो फिर आदमी क्या बोलता है, चलो भाई चिंता मत करो, हम नीचे आ रहे, हम नीचे आ रहे। अवतार का यही कारण है, इन जैसे महात्मा साधना करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो बीमार पड़े भाव माया के जाल में फंसे हैं, ऐसे लोग जब परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते तो परमात्मा सीढ़ी उतर करके अवतार लेकर के हम लोगों को दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का अवतार, इसलिए भगवान अवतार लेकर के आते। अच्छा एक बात और, बुरा ना मानना, एक बात हम निवेदन करें आप लोगों के पास, जो भगवती का साधक होगा, जो हनुमान जी का साधक होगा, हम बिल्कुल वचन के साथ कह सकते हैं, उसे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान चलकर उसके पास आएंगे। जटायु जी, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। गीत जटायु जी महाराज, महाराज क्या कह, जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट डाला पंखों को, अब पंखों को जब काटा जटायु जी बेचारे जमीन में गिर गए, धूल लग गई पंखों में, घाव जहां बने थे पंखों पर घाव बन गया था, धूल लग गई। और कोई किसी को घाव हो जाए और घाव में धूल लग जाए, भयंकर असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है। आर्तनाद करते हुए जटायु जी उल्टे पड़े, धूल लग गई, धूल सूख गई और भयंकर पीड़ा से कराह रहे, राम 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 कहते हुए पड़े, राम राम कहते हुए जब जटायु जी पड़ गए, आर्तनाद करने लगे, राम 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 राम, तो वन में रहने वाले कुछ चुगलखोर, कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं महाराज। हमने पिछली कथा में बताया था, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर, लात मारने वाला घोड़ा, 4 कदम चोर 14 कदम लतखोर और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं महाराज, बहुत खतरनाक। कान भरने वाले आदमी आए जटायु जी के पास, हे महाराज, राम 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 कर रहे, अच्छे खासे पंखा थे, उड़ लेते थे, एक समय पे याद है आप और संपाति ने सूर्य भगवान तक जाने का प्रण ले लिया था, अब कट गए पंख, अब कर लो सीताराम, बड़े सीताराम 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 करते थे, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे बागेश्वर धाम ने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने, कई लोग ऐसा बोलते ना, बड़े बजरंग बली के भक्त बने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने, उनके लिए सुनो ध्यान से। जटायु जी से कहा, राम 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 करते थे, लो पंखा कट गए, क्या कर लिया भगवान ने, अब आज के बाद राम राम बंद करो, पंखा होते अयोध्या उड़कर चले जाते, दर्शनी हो जाते, ज्यादा भजन इसीलिए ठीक नहीं होता है। कान भरने वाले ने भर दिया, पर धन्य श्री जटायु जी, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर उल्टे पड़े हैं, और पता है क्या बोले, बोले भैया ठीक हुआ जो हमारे पंखा कट गए, धन्यवाद। व्यक्ति चौंक गया, पागल हो, मती मारी गई क्या, बुद्धि ठीक है, दिमाग सनक गया क्या, हमें लगता है ज्यादा दर्द के कारण दिमाग अभ्रंश हो गया, दिमाग ही पागल हो गया, ना 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 ना, हम ठीक हैं, ठीक हुआ जो भगवान ने पंखा काट दिए। क्यों? जटायु जी बोले हाथ जोड़कर, भैया अगर पंख होते तो हमें चलकर राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। माई बाप याद रखना, अगर हम साधन में रहेंगे तो हमको चलकर राम जी के पास जाना पड़ेगा, अगर हमारे पास साधन होंगे, और साधन नहीं होंगे, साधना होगी तो तुम्हें भगवती के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं पहाड़ा वाली वैष्णो माता उतर करके तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए मेरे पागलो, हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तुम्हारे पास वाहन है, गाड़ी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, माई बाप भगवान करे और बड़े बनो, पर साधन से संपन्न होना बड़ी बात नहीं है, साधना से संपन्न होना बहुत बड़ी बात है। और आपके पास अगर साधना नहीं, भगवान नाम जप नहीं, गुरु के प्रति अनुराग नहीं, माँ के प्रति प्रेम नहीं, ममत्व नहीं, माँ के प्रति समर्पण नहीं, तुम्हारा पूरा साधन 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं, क्योंकि जेब में पैसा नहीं जाता, जेब में भैया मरते समय धन नहीं जाता, मरने के बाद तो निधन लिखता है, साथ में तो केवल भगवान का नाम जाता है।
जटायु जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, अब भगवान को आना पड़ेगा। और मेरे पागलो, हमारा मानना है परमात्मा का अवतार इसीलिए होता है कि जो भक्त साधक महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हम तक नहीं पहुंच पाते, उन भक्तों के कल्याण करने के लिए, दर्शन देने के लिए हम स्वयं पहुंच जाते हैं, ऐसा राम जी कहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत दसम स्कंद में कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययौ राज्यं चोभय वंशानां चरितं परमाद भू। आहा, एक बात और, भागवत की ही एक बात और सुन लीजिए, बहुत आनंद आएगा। जब भगवान का अवतार इस धराधाम पर देवकी वसुदेव के कारागृह के समक्ष प्रकट होना था परमात्मा को, तब श्रीमद् भागवताकार वेदव्यास मुनि ने 9 बार सत्य 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 कह करके दिव्य स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यम मृतनेत सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य 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 कह करके परब्रह्म पूर्ण परमात्मा की स्तुति की। और कितना अद्भुत संयोग है, जिस परमात्मा के प्रकट अवतार के लिए 9 बार सत्य 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 कहा, वही परमात्मा की पराशक्ति प्राम्बा माता वैष्णो देवी भी 9 माह गुफा में रह करके दिव्य साधना की है। और इतना ही नहीं, दूसरा संयोग सुनिए, जिस परमात्मा के लिए 9 बार सत्य 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 कहा, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा अगर वो शक्तिमान है तो शक्ति के कारण है, और उन्हीं शक्ति के दिन भी 9 ही होते हैं जिन्हें नवरात्रि कहा जाता है। 9 रूपों में भी वह शक्ति है। क्यों? शक्तिमान परमात्मा तभी हो सकते जब उनके पास शक्ति हो। और शक्ति कौन है? राम के पास सीता, भगवान शंकर के पास महादेव, भगवान शंकर महादेव के पास पार्वती, राम के पास सीता और घनश्याम के पास राधा। और बिना शक्ति के परमात्मा भी शक्तिमान नहीं है। एक बात और, राम जी 2 कारणों से महान बहुत बने। एक कारण तापस बेश विशेष उदासी 14 बरसो राम बनवासी। तापस वेश भैया विशेष उदासी 14 बरसो राम बनवासी। मेरे प्रिय पागलो, याद रखना, राम जी बन गए तो राम परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। ना वो बन जाते ना राम बन पाते, ना राम बन जाते ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। लेकिन राम बन बिना शक्ति के साथ नहीं जा पाए, शक्ति को साथ लेकर के गए। मेरे प्रिय साधको, राम प्रभु श्री राम महान है, लेकिन वो बन गए तो बन गए। इसलिए हम तुमसे भी कहते हैं, तुम अगर भजन में बन जाओगे, रम जाओगे, तो तुम भी बन जाओगे। एक बात, दूसरी बात, राम जी की महिमा। हमें एक प्रसंग बहुत याद आता, बहुत बार हम बोलते हैं, फिर से बोल देते हैं, आचार्य चरण विराजमान, पूज्य महाराज जी विराजमान, आह पर सत्य पद पावन सो कि न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। अहिल्या माता को श्राप मिला गौतम ऋषि का, जाओ तुम पत्थर बन जाओ, पाषाण हो जाओ। अहिल्या आंखों से झरझर करके आंसू बहाने लगे। पत्थर होना है, पाषाण बनना है, पत्थर बनना है, पत्थर जाओ, पत्थर हो जाओ, झरझर करके जब आंसू बहाने लगी अहिल्या, लोगों ने पूछा, पत्थर तो बनना है पर पृथ्वी लोक में तुम पत्थर कहां का बनना चाहते? किसी एक ने कहा, अहिल्या एक काम करो, तुम अयोध्या की पत्थर बन जाओ। अयोध्या की पत्थर बनोगे, कभू प्रभु श्री राम मिलेंगे, अपने चरण रज रख देंगे, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, इसे तुम अयोध्या की पत्थर बन जाओ। पता है अहिल्या ने क्या कहा? ना 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 ना, हम
अयोध्या के पत्थर नहीं बनेंगे। लोग बोले पागल हो क्या, लोग तो बड़े बड़े देवता अयोध्या में अवतार लेने के लिए तरसते हो, तुम वहाँ की पत्थर नहीं बनना चाहते, वहाँ का तो कीचड़ बनने के लिए लोग तैयार हैं, कूकर सूकर बनने को तैयार है, तो वहाँ का पत्थर पाषाण नहीं बनना चाहती। अहिल्या कहती महाराज अयोध्या में पत्थर बन गए तो जरूरी नहीं राम हमारी गली आएंगे, जरूरी नहीं राम हम पर कृपा करेंगे, हमें एक काम करो जनकपुर की गली में पत्थर बना दो। बोले क्यों, बोले जनकपुर की नगरी में जनक नंदिनी जी प्रकट होंगी और वो है भक्ति, राम जी हैं भगवान, अयोध्या में तो भरोसा नहीं चरण रखेंगे, लेकिन ये भरोसा है भगवान बिना भक्ति नगर के बिना रह नहीं सकते, वो जब भक्ति के नगर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार करते चले जाएंगे। तो शक्ति के बिना प्रभु श्री राम भी महान नहीं, शक्तिमान नहीं, शक्ति के बिना भगवान कृष्ण नंद नंदन यशोदानंदन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर चलिया गिरधारी बनवारी गोवर्धन नाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी शक्तिमान नहीं। मेरे प्रिय साधको उसी प्रकार बेटा भी तब तक महान नहीं हो सकता जब तक बेटे के ऊपर माँ का आशीर्वाद ना हो जाता। तो परांबा योग माया का अवतार भगवान श्री कृष्ण के बहन के रूप में हुआ। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, नौ बार देवताओं ने सत्य 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 कह करके दिव्य स्तुति भगवान श्री युगल सरकार की। अच्छा भगवान आते कब हैं, रामायण पढ़िएगा, जब जब होये धर्म की हानि पारहीं असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा। एक बात प्रार्थना करे बुरा न मान, कुत्ता के काटने से तो बचना संभव है, कुत्ता कुत्ता काट दे बचना संभव है, 14 इंजेक्शन लगवाओ, आजकल तो चार ही में काम हो जाता है, कुत्ता काट ले बचना संभव है, लेकिन चुगलखोर अगर कान भर दे तो बचना बड़ा मुश्किल है। चुगलखोर के बचना वहां उसके काटने से महाराज बचना बहुत मुश्किल। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। इसलिए हमको किसी की बातों में ना पड़ के अपने वेद प्राण आचार्यों के मुखारविंदों से जो वाणी निकल रही उन बातों को ही सत्य मान करके सत्य ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा शक्ति परम्बा जगत जननी भवानी का नवरात्रि में पूजन पाठ करना चाहिए, और जो नवरात्रि के पावन पर्व में परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का ध्यान करता है उस बालक पर माँ की ममत्व छाया होती है, वही बालक हर अलाय बलाय से बचा रहता है। तो जब दिव्य स्तुति की आहा भगवान प्रकट भय कहां कारागृह में, देखो कितनी विचित्र बात, भगवान कृष्ण को अवतार लेने को मिला क्या कारागृह, कारागृह में किसके यहां देवकी वसुदेव, और वो भी बंधन में पड़े देवकी वसुदेव के घर भगवान प्रकट भय। पर एक बात बहुत ऊंची है, भगवान उसी के यहां बंधन प्रकट होते हैं जो बंधन में जरूर पड़ा रहे पर बंधन ना छूटे। देवकी वसुदेव बंधन में है पर बंधन नहीं छोड़ा, बंधन किसका, अपने आराध्य का। राम ही सुमिरिय राम ही गायै, राम का सुमरण करो राम को गाओ। एक बहुत प्यारी गीत की एक लाइन थी, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। बोलो ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, तो राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। क्या भैया पठानकोट के पागलो, दोनों हाथ उठा करके, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है,
राम राम बोलिए बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा लगता, बोलो सीता राम। लेकिन हम लोगों का हाल क्या है, पठानकोट वालों का नहीं हमारा, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी से नरन को बार बार धिक्कार। बोलो सीताराम। भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन यशोदा नंदन का देव की वसुदेव के काराग्रह के समक्ष प्रादुर्भाव भया प्रकट, बंधन में देव की वसुदेव, बंधन में, लेकिन बंधन में भी इन्होंने परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ा, परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ा तो परमात्मा चतुर्भुज रूप में काराग्रह में ही प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट हुए सो तो ठीक है, बात पूरी बतलाई हमको जाकर के, गोकुल में जाकर रख दो, गोकुल से एक कन्या ले आना। अब वो कन्या कौन है, आहा हा, देव की वसुदेव के घर भगवान नंदनंदन के रूप में शक्तिमान भगवान प्रकट भए। लेकिन भगवान शक्तिमान के पहले शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है, एक रूप में श्री राधाजी प्रकट हो गई कीर्ति बरसाने में, और दूसरे रूप में यशोदा मैया के गर्भ से परम भगवती माता योग माया प्रकट हो गई। उन्हीं योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए, राजा कंस को दे दिया, कन्या हुई है बेटा नहीं हुआ। राजा कंस हाथ में लेकर के कन्या को मारने के लिए पत्थर पर पछाड़ने लगा, पर याद रखना शक्ति के बिना कोई भी इंसान शक्तिमान नहीं हो सकता, भगवान भी शक्तिमान नहीं हो सकता। शक्ति शक्ति होती है, भगवती हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में पहुंच गई और अष्टभुजा रूप लेकर के योग माया माता परांबा दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। हे राजा कंस, तुम हमें क्या मारते हो, तुम्हारा तो मारने वाला पहले ही ब्रज में अवतार ले चुका है, और यही अष्टभुजा रूपी योग माया की चर्चा आज हमने कथा में की। एक भगवती दुर्गा का नाम योग माया भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, और जो योग माया की उपासना करता है उसका काल भी बाल बांका नहीं कर पाता है। बोलो जय सियाराम।